गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 7 फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट की जाती है ये सीखेंगे। लेट स्टार्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है। लेट स्टार्ट। अ फ्रैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। एक फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में तब माना जाता है कि इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। यदि उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर होता है उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वन को छोड़कर केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए। वन से यदि दूसरा नंबर आ रहा है 2, 3, 4, 5, ये कॉमन फैक्टर में आ रहे हैं, तो उस नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सपोज़ 5/6 ये एक फ्रैक्शन है। इन दोनों नंबर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1। और हमने अभी आपको डेफिनेशन से बताया है कि जिन फ्रैक्शन का कॉमन फैक्टर 1 हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 हो, वो फ्रैक्शन किस में होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर? तो 5/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। रूल टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे उसके लिए 2 रूल्स हैं। ये रूल आप समझिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रूल 1, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सबसे पहले आप एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ से उस फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। जो आपका एचसीएफ आएगा, जो नंबर आएगा एचसीएफ में, उस नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होगा। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड रूल, कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ देयर फ्रैक्शन इन स्टेप। जो फ्रैक्शन होगा उसे आप डिवाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। किससे? कॉमन फैक्टर से। फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे आप कॉमन फैक्टर से स्टेप बाय स्टेप। क्लियर स्टूडेंट? सपोज 10/12, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 2 है, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस आया है 5/6 और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप इस तरीके से रिड्यूस करेंगे डिवाइड करके। क्लियर स्टूडेंट? तो दोनों रूल में से आप एक रूल अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।